जी सांसे एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है और इसमें मैं अभय का किरदार प्ले कर रहा हूँ। अभय एक एंटरप्रेन्योर है, एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है जो बचपन से, मतलब वो अनाथ है, तो उसको कभी कभी भी माँ बाप का या भाई बहन किसी का प्यार नहीं मिला है और वो ज़िंदगी में प्यार खोज रहा है। अब वो बिजनेस के चक्कर में मॉरिशस आता है, वहाँ पर आके इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो शिरीन है, जो सोनारिका प्ले कर रही हैं, एंड कैसे ये अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा देता है उस प्यार के लिए, कैसे ये कितना सफ़र करता है उसके लिए और कितना मतलब अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। तो बस अभय का किरदार जो है वो उसी के आसपास घूमता है। अगर बात करें, दोनों लड़कियां नई हैं, काफ़ी पुराने हैं, इनसे काफ़ी सीनियर हैं आप, बात जी, करें जी मैं पुराना तो नहीं हूँ बट हाँ जी 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 तो कैसे केमिस्ट्री, जैसे वो नए हैं आप तो काफ़ी काम कर चुके हैं जी जी। फिल्म में मैं हूँ, सोनारिका हैं जो टीवी से हैं, महादेव से हैं, नीता हैं ये भी टीवी करती हैं, हितेन तेजवानी हैं जो भी टीवी करते हैं, तो आई वुड से कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी कास्ट है और उसके अंदर डेफिनेटली मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ। सोनारिका के लिए डेब्यू है, नीता के लिए भी डेब्यू है और हितेन पहले फिल्में भी कर चुके हैं, टीवी भी कर चुके हैं। ऑन द होल सेट पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को, सबको काम करके। हितेन मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो आई वुड से कि एंड क्योंकि दोनों ने टीवी पे सब ने पहले काम किया हुआ है तो कैमरा फेसिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड सब प्रोफेशनल एक्टर्स थे और सबको ओवरऑल आई थिंक इवन आज की डेट में टीवी हो या फिल्में हो या थिएटर हो या आपका वेब सीरीज़ हो, सबकी अपनी अपनी फ़ैन बेस होती है, सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग होती है। सो आई डोंट थिंक कि अभी वो मीडियम एक सिर्फ फिल्मों तक बंद हो गया है कि सिर्फ फिल्मी एक्टर ही फिल्म कर सकता है, तो आई थिंक कि सबके लिए एक अच्छा माध्यम है। सर ये किस तरह की मूवी है, रोमांटिक है, हॉरर है? सर ये दोनों आपने बता दिया, ये रोमांटिक भी है और हॉरर भी है, तो इसमें रोमांस भी मिलेगा, हॉरर भी मिलेगा। सर ये आप पूरा फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसमें बिसाइड्स डर के और रोमांस के इसमें आपको एक्शन मिलेगा, थ्रिल मिलेगा, लेकिन इसमें कोई ऐसे सीन नहीं है जो आप अपने बच्चों के साथ ना देख पाए। मतलब ऑब्वियसली डर तो बड़े को भी लग सकता है, छोटे को भी, लेकिन इसमें वैसा कोई सीन नहीं है जो आप पूछ रहे हो, वैसा नहीं है। अभी एक दौर है फिल्मों का, अभी एक के बाद एक फिल्म ऐसी आ रही है जो इस तरह की मूवी है जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की फिल्म, एक साथ में हॉरर, मतलब आप कह रहे हैं? अच्छा सर, हॉरर फिल्म मेन होता है कि हॉरर फिल्म को, हॉरर को ट्रीट कैसे किया गया है और उसका प्री क्लाइमैक्स क्या है, उसका क्लाइमैक्स क्या है, उसमें हॉरर एलिमेंट्स क्या डाले गए हैं, तो कुछ लोग उसको प्योरली डिपेंड करता है कौन डायरेक्टर है, कौन डीओपी है और उसको किस लेवल पे बना रहे हैं। तो सांसे को हमने बहुत ही डिफरेंटली ट्रीट किया है, इसके जो जितने भी हॉरर एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स हैं और इसका जो रोमांस पार्ट है, इसका जो ट्रीटमेंट है क्लाइमैक्स का, तो बहुत ही बहुत टेस्टफुली किया हुआ है। तो आई वुड से कि ये फिल्म डेफिनेटली बाकी फिल्मों से हटके, और क्योंकि ऑलरेडी कंपैरिजन हो रहे हैं 1920 से और राज से, सो मैं ये बोलूँगा कि वी आर डेफिनेटली इन अ पोजीशन जहाँ पे हम लोग शायद इसको 1920 से ऊपर लेके जा पाए। सांसे नीचे आखिरी सांस जी, क्या है टैगलाइन की? जी ये दो तरीके से है, एक है क्योंकि प्यार के चक्कर में अभय जो है, जो मैं हूँ, उसकी सांस शिरीन के अंदर है, तो एक ये सांसे उसके लिए है, अभय के लिए, और एक एंगल है क्योंकि जो स्पिरिट है, जो भूत है, उसके मतलब उसकी जो पावर है, जो उसके मतलब जो उसका इंटरेस्ट है वो शिरीन है, सो वो कहीं ना कहीं उसमें बंधी हुई है, तो उसकी सांसें उसमें बंद हैं, तो ये दोनों एंगल से सांसें प्योरली एक एप्ट टाइटल है। इसके अलावा रनिंग प्रोजेक्ट क्या कह रहे हैं जी? जी इसके अलावा ये 11 नवंबर को सांसें आ रही है, 2 दिसंबर को मेरी फिल्म आ रही है वजह तुम हो, ये टी सीरीज की है, इसमें मैं एक मेन एंटागोनिस्ट प्ले कर रहा हूँ, इसमें मैं ग्रे, एक बहुत ही तगड़ा ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो वो आप जल्द देखेंगे। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर का जो 2017 का है, वो एक मैं टीवी की लिमिटेड सीरीज़ कर रहा हूँ जो करीब 4 महीने में शूट करूँगा, तो वो आप बहुत जल्द देखेंगे। वजह तुम हो काफ़ी मिलियन हो चुके हैं इसके जी, व्यूअर्स जी, क्या कहना चाहिए, काफ़ी फीस जी हाँ मिल चुकी है। जी वजह तुम हो के ट्रेलर अभी तक 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है और मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उसको, तो आई वुड से कि देर इज़ अ लॉट ऑफ हीट, उसके अभी 2 गाने खुले हैं वो भी बहुत फायर पे हैं, और तो सांसे के भी 2 गाने फायर पे हैं, अरिजीत के जो निकला है और अरमान का निकला है। सी मेरा गाने का इतना सीन है नहीं, बट हाँ मैं तुम जो मिले गा देता हूँ, अरमान का है, एक लाइन गाऊँगा सिर्फ क्योंकि आपने बोला है। सो
तुम जो मिले